नमस्कार, कैसे हैं आप सब। रिंकास लाइफस्टाइल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में आप सब लोग तो देख ही लिए होंगे कि मैं आज एक रिंग लाइट की रिव्यू देने वाली हूँ। वैसे तो मैं हमेशा बंगाली में वीडियो बनाती हूँ, जो कि आज मैं एक रिंग लाइट की रिव्यू देने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि आज हिंदी में वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हिंदी सभी को समझ में आते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाया है। जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं वो ऐसा ना सोचे कि ये हिंदी में वीडियो बनाया है, इसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ऐसा ना करें। अगर आपको बंगाली में वीडियो चाहिए ये वाला, तो मैं आपके लिए बंगाली में वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा ये रिंग लाइट मैंने कहाँ से परचेस किया है, कितना प्राइस पड़ा है इसका, और ये क्वालिटी कैसा है इसका, सब मैं बताऊँगी आज की ये वीडियो में। तो देख सकते हैं, मैंने ये मंगाया है रिंग लाइट विथ सेंट ओसाका का अमेज़ॉन से। तो ये देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है और इसका प्राइस कितना पड़ा है, मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखें, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो ये रिंग लाइट का स्टैंड मिला है, देख सकते हैं ओसाका ब्रांड का। तो ये स्टैंड बहुत नहीं, मतलब भारी है और मुझे लग रहा है ये लोहे का है, और लोहे का बना हुआ है ये, और भारी तो है, और ये मतलब हिलेगा नहीं, हल्का तो बिल्कुल भी नहीं है, भारी है ये। अच्छा लगा मुझे स्टैंड तो बहुत ही अच्छा है क्वालिटी इसका। और यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर मिल जाएगा, देख सकते हैं, और इसको जैसे चाहे आप मोड़ सकते हैं, आगे पीछे साइड में जैसे चाहे। तो देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। इसके अंदर एक छोटू सा आपको ये स्टैंड मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा 50 रुपये देना पड़ेगा, अगर नहीं देते हो तो ये नहीं मिलेगा। और है यहाँ पर एक रिंग लाइट होल्डर, रिंग लाइट लगाने का के लिए एक दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। मैं इसको सेट करके भी आपको दिखाऊँगी। चलिए अब इसका रिंग लाइट को निकाल लेते हैं। ये है ओसाका का रिंग लाइट, देख सकते हैं, ये ओसाका ब्रांड का ख़रीदा हुआ है मैंने। और ये रिंग लाइट 180 डिग्री मूव करता है, ठीक है। और ये रिंग लाइट को ऑपरेट करने के लिए छोटू सा एक रिमोट दिया गया है, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और ये है देखिए रिंग लाइट। चलिए अब इस रिंग लाइट को निकाल के देखते हैं कैसा है। तो ये है हमारा रिंग लाइट। तो रिंग लाइट तो बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा। और मैं ये रिंग लाइट और ये स्टैंड को सेट करके दिखाऊंगी आप लोगों को, कैसे क्या सेट करना है, और रिंग लाइट को ऑन करके भी दिखाऊंगी कि इसकी लाइट कैसी जलती है, कैसा है, सब बताऊँगी आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए अब रिंग लाइट को सेट करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये है रिंग लाइट का स्टैंड, और इसको पहले खोल लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रिंग स्टैंड का एक चाबी है, इस चाबी को ऐसे घुमा लेना है, ठीक है। इस चाबी को घुमाने से ही ये नीचे से खुल जाएगा, देखिए ऐसे खुल जाएगा। ऐसे खुल जाने के बाद इसको फिर से आपको ये जो चाबी है दिखाया मैंने, वो ये वाला चाबी, इसको घुमा के टाइट करके इसको फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो मैंने ये फिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। और ये स्टैंड आपको जितना हाइट का चाहिए होगा आप उतना हाइट का इसको फिक्स कर सकते हैं। तो रुकिए हम दिखा देते हैं, ये जो यहाँ पर भी एक चाबी दिया हुआ है इसको भी वैसे सेम तरीके से घुमा लेना है, ठीक है। ये वाला चाबी इसको घुमाने से देख सकते हो ये कितना लंबा हो गया, और इसको फिर से आपको फिक्स कर देना है, ठीक है। देखिए ऐसे जितना आपको हाइट चाहिए होगा ये स्टैंड और भी खुलेगा। रुकिए मैं खोल करके दिखाती हूँ। यहाँ पर भी एक चाबी है, ये चाबी को सेम तरीके से घुमा लेना है और निकाल लेना है, फिर इसको वापस से फिक्स कर देना है। देख सकते हैं स्टैंड कितना लंबा है। तो मुझे अभी इतना लंबा स्टैंड की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर से इसको छोटा कर ले रही हूँ। तो आप लोगों को जितना लगेगा आप लोग उतना एडजस्ट कर सकते हैं हाइट को। तो ये वाला दिया गया है रिंग लाइट सेट करने के लिए, ठीक है। चलिए इसको भी सेट कर लेते हैं।
इसको फिक्स्ड करने के लिए भी सेम तरीका, एक चाबी दिया गया है, उस चाबी को घुमा घुमा के फिक्स्ड कर लेना है, देख सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से फिक्स्ड कर लिया है, तो चलिए अब रिंग लाइट को भी अच्छे से फिक्स्ड कर लेते हैं। रिंग लाइट को भी फिक्स्ड करने के लिए यहाँ पर एक चाबी दिया गया है, तो देख सकते हैं आप लोग, ये वाला चाबी घुमा घुमा के आप लोगों को रिंग लाइट को फिक्स्ड कर लेना, ठीक है। रिंग लाइट को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, अब रिंग लाइट को मैं मूव करके दिखाती हूँ। मूव करने के लिए भी यहाँ पर एक चाबी दिया गया है, देख सकते हैं, ये चाबी घुमाने से ही रिंग लाइट ऐसे आगे पीछे जैसे चाहो आप सेट कर सकते हो, ये चाबी घुमा के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल मैं रिंग लाइट को सीधा रखूँगी, तो मैंने सीधा करके इसको रिंग लाइट को सेट कर लिया है, ठीक है। तो मेरा रिंग लाइट पूरा सेटिंग हो चुका है, तो इसको मैंने देख सकते हैं बहुत अच्छे से सेटिंग कर लिया है, और ये हिल भी नहीं रहा है, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो रिंग लाइट को ऑन करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा एक केबल दिया गया है, और ये इसको जो है लगाने के लिए एक आपको फ़ोन का जो सी टाइप चार्जर होता है उसका एडोप्टर से इसको कनेक्ट करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक मोबाइल होल्डर दिया गया है, चलिए इसको भी फिक्स्ड कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ मोबाइल स्टैंड कहाँ फिक्स्ड करना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल स्टैंड को फिक्स्ड कर लेती हूँ। तो मैं मोबाइल स्टैंड को अच्छे से फिक्स्ड कर ली हूँ, तो आप इसको जैसे चाहो मूव कर सकते हो, आगे पीछे सामने आपके अकॉर्डिंग आप इसको मूव कर सकते हो। तो ये मोबाइल एडोप्टर है, इससे आपको ये कनेक्ट कर देना है बिल्कुल ऐसे। ये रिंग लाइट को ऑपरेट करने के लिए एक छोटा सा रिमोट दिया गया है, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, प्लस और माइनस का दिया गया है, बढ़ाना या घटाना है लाइट को, और एक मोड चेंज करने का बटन भी दिया गया है। तो मैंने यहाँ पर रिंग लाइट को ऑन कर लिया है, और देख सकते हैं इसका रोशनी कितना अच्छा है। अब रूम की लाइट ऑफ करके मैं जला के दिखा रही हूँ कि लाइट कैसा है, तो देख सकते हैं लाइट बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, और आई होप आप वीडियो में समझ पा रहे हैं कि लाइट कितना अच्छा है। तो अब बताती हूँ इसका प्राइस कितना पड़ा मुझे, इसका प्राइस पड़ा मुझे 1350 रुपीज़। जो लोग बजट के अंदर एक अच्छा सा रिंग लाइट परचेस करना चाहते हैं वो ये ओसाका का रिंग लाइट परचेस कर सकते हैं। तो मैं ये मोबाइल को एक बार मोबाइल होल्डर में फिक्स करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए कितना अच्छे से फिक्स्ड हो गया है, और ऐसे आप वीडियो बना सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मुझे तो ये रिंग लाइट विथ स्टैंड बहुत ही पसंद आया है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्टैंड दिया गया है, और इसमें ये रिंग लाइट यहाँ पर फिक्स कर लेने से ही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी जानना हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं आज यहीं विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।